हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिल्म आर्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इफको लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, कितना ट्रेनिंग का पीरियड होगा, एज लिमिट क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी और सीटीसी कितना रखा गया है, ये सब शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इफको लिमिटेड की, तो इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस जो यहाँ मांगा गया है वो है चार्टेड अकाउंटेंट विद ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विद मिनिमम 60% मार्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि यहाँ पर सीए प्लस बीकॉम विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग पीरियड की, तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ रखा गया है 1 ईयर। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट है 30 ईयर्स एज ऑन 1 मार्च 2021। लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है इफको के प्लांट और मार्केटिंग ऑफिसेज अक्रॉस पैन इंडिया। यानी कि आपको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है पैन इंडिया बेसिस पर। अगर मैं बात करूं की स्किल्स की, बेसिकली ये स्किल्स जो है मैंडेटरी नहीं है इस पोस्ट के लिए, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको एडवांटेज मिलेगा इस वैकेंसी में। द कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स टैक्सेशन कॉर्पोरेट फाइनेंस बिल्स ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ईआरपी और सैप विल बी एन एडेड एडवांटेज। यदि आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं बात करूँ सीटीसी की, तो यहाँ पर जो ये जो वैकेंसी, यहाँ पर 1 साल का पहले ट्रेनिंग का पीरियड है, उसके बाद आपको कंफर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सीटीसी रखा गया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग रखा गया है 50,000 अलोंग विद अदर बेनिफिट्स एज पर द रूल्स ऑफ इफको। ये जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको सीटीसी जो मिलेगा वो होगा 55,000 से लेकर 1,30,000 के पे स्केल्स के अकॉर्डिंग। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग द कैंडिडेट मे बी अपॉइंटेड इन द पे स्केल ऑफ 55,000 टू 1,30,000। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सीटीसी होगा वो होगा अप्रोक्स 15 लाख रुपीज पर एनम। ये होगा आपको आपके 1 ईयर की ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा विद कंपनी के साथ। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू फर्निश द सर्विस बॉन्ड फॉर सर्विंग फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि 3 साल का एक बॉन्ड भी आपको साइन करना पड़ेगा विद इफको लिमिटेड। अब ये आपको अप्लाई कैसे करना है, द इंटरेस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स मे अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द ई एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल ऑन द इफको वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहां से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 28 फेब 2021। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यदि ज्यादा एप्लीकेशंस होंगी। अगर कम एप्लीकेशन आई तो डायरेक्ट इंटरव्यू में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसकी लास्ट डेट है जो है 28 फेब है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।